और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के गुना से आ रही दर्दनाक घटना की करते हैं। आपको बता दें कि बुधवार रात आरोन जा रही बस तेज रफ्तार डंपर से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई और बस में करीब 30 से 40 यात्री सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसे में बस चालक की भी मौत की खबर है। यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर और कंडक्टर शराब के नशे में थे। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बचा जा सके। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा राशि दी जाएगी और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। बस में कितनी सवारी थी? लगभग 30 सवारी होगी। और जो आग लगी उस वक्त बच्चे, कुछ लोग बच गए कि नहीं बचे? आग लगी थी उस वक्त, उसमें कम से कम 8 लोग थे। अच्छा, ड्राइवर बच गया? ड्राइवर डेथ हो गया तुरंत। डंपर की गलती किसकी? डंपर की या बस वाले की? किसकी? मुझे पता नहीं, मैं पीछे की साइड देख रहा था, बट ड्राइवर को देख नहीं रहा। इतना मुझे पता है कि ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर बने थे ना नशे में। जैसे आपको पता है कि डंपर और बस दोनों आपस में टकराए हैं और फिर बस पलटी खा करके नीचे गिरी है, उसके बाद में उसमें आग लगी है। 17 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में अभी चल रहा है और सभी घायल सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। और इस घटनाक्रम में 13 लोग मृत हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसका पालन किया जाए।